السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نسعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد آج تذکرہ هم رہے ہیں حضرت قاسم بن محمد بن أبو بكر صديق رحمه الله کا قاسم بن محمد رحمه الله مشهور تابعين और मदीना के साथ बड़े बड़े फकाहा उनमें से एक नाम इनका भी है हज़रतमान रजी अल्लाह तन की खिलाफत के आखिरी दिनों में यह बाज़ लोगों के मुताबिक हज़रतली रदी अल्लाह की खिलाफत के बिल्कुल आगाज़ में यानी सन पैंतीस हिजरी या छत्तीस हिजरी के दरमियान हज़रत कसिम बिन महमद रही पैदा हुए और हज़रतली ऱी तह की खिलाफत का दौर आया तो उन्होंने इनके वालिद जो कि सहाबी हैं मोहम्मद बिन अबू बकर सहाबी हैं वो भी तो इनके वालिद को मिस्र का गवर्नर बना दिया जिम्मेदार बना दिया तो ये अपने वालिद के साथ मिस्र चले गए और वहीं रहने लगे फिर जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो ये वापस आए मदीना और मदीना ही रहने लगे इनकी फूफी जो हैं हज़रत आयशा रजी अल्लाह तड़ी फूफी हज़रत जो है असमा बिनते अबू बकर ऱी अल्लाह तह और जो है इनके दादा हजरत अबूबकर सद्दीक़ रजी अल्लाह तू तो बड़ा मशहूर नाम है कासिम कासिमिन महमद रही का अपनी पूपी के पास रह करके इन्होंने, इन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह के पास और साथ ही साथ अपनी जो है बड़ी पूपी हज़रत असमा रजी अल्ला तह से बेल हासिल करते रहे और बहुत बड़ा नाम इल्म की दुनिया में हासिल किया और बहुत बड़ा नाम कमाया अपनी दादी इनकी जो दादी थी हजरत आसमा बिनत नमय सरद अल्ल तुम पहले हज़रत जाफ़र रदी अल्लाह तु की बीवी थी उनका इंतकाल हो गया शहीद हो गए तो हज़रत अबूबकर सिद्दीक रद्ल तु की बीवी बनी और हजरत अबूबकर सदी रजिल्ह का इंताल हो गया तो फिर हज़रतली रदी अल्लु तु ने इनसे निकाह कर लिया तो अपनी दादी से भी इन्होंने हदीसें रिवायत की हरत आसमा बिनत सरद अल्ला त से तो एक इनकी पूफी हैं असमा और एक इनकी दादी हैं असमा दोनों का नाम सेम है लेकिन एक फूफी है और एक दादी हैं तो जब इल्म हासिल कर लिया तो मदीना के बड़े उलमा में इनका नाम होने लगा इनके हवाले से एक वाक़ा मैं जिक्र करूँ कि जब बहुत बड़े आलिम बन गए लोगों में चर्चा हो गया और लोगों ने आकर के इनसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो एक मरतबा एक आरबी आया इबन इसहाक कहते हैं कि आरबी आया दियाती नमाज पढ़ रहे थे हजरत कासिमिन मोहम्मद रही जब नमाज़ से फारिग हो गए तो वो आकर के इनसे सवाल करता है कि अय्यू हम आलम कि दो लोगों में से कौन बड़ा आलिम है अंता अम सालिम आप ज्यादा बड़े आलिम है या सालिम सालिम कौन है सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर रजील्लाह के पोते और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी के बेटे सालिम उनका भी नाम है वो सात मदीना के सात फुखा में से वो भी एक है बड़े पाए के वो भी आलिम है तो कहा कि आप बड़े आलिम हैं या जो है सालिम बड़े आलिम है तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि यह कहा कुल्ल सयिरु क बीमा आलिमा कि हर एक को जो पता होता है वो बताता है ये कोई सवाल नहीं है कि कौन बड़ा आलिम आज हमारे यहाँ देखिए सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें होती इस तरह के मामला फला बड़े आलिम फला को कुछ नहीं आता अपना अपना फेवरेट आलिम जो है लोग बयान करते हैं और फिर उसी जमीन में दूसरों को जो है हकीर मामूली और जो है नालायक समझते या यूँ कह लीजिए कि उसको किसी दर्जे में नहीं रखते तो यही सवाल उस आराबी ने किया तो उन्होंने कहा भाई देखो हर एक को जो पता है वही बताता है। तो उसने फिर से सवाल दोहराया कि कौन बड़ा आलिम है आप बताइए तो फिर से इन्होंने कहा अल्लाह फिर से वही सवाल कर रहे हो फायदा फिर जवाब दिया फिर आराबी ने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सालिम जो है वो बड़े आलिम है सालिम बड़े तो कहा ठीक है जाओ उन्हीं से सवाल कर लो तो वो बंदा चला गया इबन इसहाक जिन्होंने वाकया बयान किया है वो कहते हैं कि कासिम बिन मोहम्मद रही ने कोई जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर वो ये कह देते कि मैं बड़ा आलिम हूं तो ये अपनी तारीफ़ करना हो जाता अपनी तारीफ बज़ दफ़ा लोग अपनी तारीफ़ करते हैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा होता तो अपनी तारीफ खुद करते बज दफ़ा ज़रूरी होता है लेकिन आम हालात में ये चीज़ नहायत ही नापसंदीदा है कि बंदा खुद अपनी तारीफ करे तो उसने सवाल किया था चाहते तो कह देते कि मैं बड़ा आलिम हूं लेकिन ये फिर अपनी तारीफ करना हो जाता और अगर ये कह देते कि सालिम बड़े आलिम हैं तो इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि ये झूठ हो जाता इसलिए कि वक़ा ना हम सालिम और कासिम में कासिम ज़्यादा बड़े आलिम थे ये इब्ने इसहाक़ ने खुद बयान किया इससे क्या पता चला एक तो ये कि हमें के दरमियान तफरीक नहीं करना चाहिए कहीं से इल्म मिल रहा है कुरान हदीस का इल्म ले लीजिए आपको कोई आलिम पसंद आ रहा है सुनिए उसको लेकिन उस आलिम को पसंद करने के चक्कर में आप दूसरे उलमा को लान तान करें या बुरा भला कहें या दूसरे के इल्म के कद को नापने लगे फला को इतना आता है फला को इतना आता है फला को इतना आता है तो यह निहायत ही नापसंदीदा दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसकी तारीफ अपने मुंह से मत कीजिए अपने मुंह से खुद अपनी ताल ने क्या कहा फला तुजू अनफु अपना तजकिया मत करो हुआ अल्लाह को सब पता है कि कौन कितने पानी में कौन कितना वाला है किसको कितना आता है तो ये एक वाक्य अच्छा कासिम बिन मोहम्मद रही मदीना में रह करके दावत व तबलीग का काम करते रहे और बड़े लोगों में उनका शुमार होता रहा आखिरी दौर आया सन एक सौ आठ हिजरी में इनका इंतकाल हुआ एक सौ आठ हिजरी में इनका इंतकाल हुआ और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रही जब खलीफा बने थे निन्यानवे से 101 सौ हिजरी के दरमियान तो उन्होंने भी इनको बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी थी और जो है मुख्तलिफ जो है कामों के लिए इनको मामूर किया था एक सौ आठ हिजरी में हजरत कासिम बिन महम्मद रही का इंतकाल हुआ कुदैद नामी इलाक़े में इनका इंतकाल हुआ मक्ा और मदीना के दरमियान एक इलाका है उस इलाके में इनका इंतकाल हुआ इंतकाल से पहले इन्होंने वसीयत की क्या वसीयत की अपने जो है बेटों से कहा अपनी औलाद से कहा कि जो जिस कपड़े में मैं नमाज पढ़ाता हूँ कमीज तहबंद और चादर इन्हीं तीनों कपड़ों को कफन बना करके मुझे कब्र के हवाले कर देना यानी मेरे लिए नया कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि मुर्दों के मुकाबले में जिंदे को नए कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत का जो कपड़े मैं इस्तेमाल करता हूँ उसी कपड़े में मुझे जो है कफन बना करके जो है कब्र के हवाले कर देना तो बच्चों ने सवाल किया कि दो नया कपड़ा हम ले लेंगे तो कहा तुम दो नए कपड़े की बात करते हो हमारे दादा अबू बकर बकरन दिया गया और फिर प्यारे नबी सीन ही कपड़ों में कफन दिया गया लिहाजा मेरे लिए तीन कपड़ों से ज्यादा की जरूरत नहीं है जो तीन कपड़े मैं इस्तेमाल करता हूँ उसी में मुझे कफन दे दिया जाए और फिर ये भी कहा कि होशियार रहना खबरदार रहना मेरी कब्र को पक्की ना बनाई जाए उसको जो है उसको इमारत की शक्ल ना दी जाए ना ही उस पर कोई बुनियाद रखी जाए ये उन्होंने वसीयत की और एक जुमला जो है बार बार वो कहा करते थे कि अल्लाह के हक को पहचानने के बाद अगर बंदा कोई ऐसी बात कहता है जिसके बारे में उसको ही नहीं है तो उसका जाहिल रहना यह बेहतर है उसका जाहिल रहना बेहतर है बास लोग देखे सब जानते हैं कि इस बारे में नहीं बोलना चाहिए इस बारे में नहीं बोलना चाहिए उनको पता है कि अल्लाह कहता है कि जिसका इल्म ना हो उसके बारे में मत बोलो लेकिन लोग बोलते हैं तो कहा कि अल्लाह के हक को अगर कोई पहचानता है कि अल्लाह ने क्या कहा उसके बावजूद ऐसी ऐसी, ऐसी बातें कहता है जिसका उसको इल्म ही नहीं है तो ऐसे बंदे का जाहिल रहना बेहतर है ये इनकी जबान से जुमले कई मरतबा लोगों ने नकल किए जैसा कि हाफिज़ हाफिजाबी रही ने सरमी नबला में जिक्र किया है तो एक बड़ी और मशहूर शख्सियत मशहूर ताबे कासिम बिन मोहम्मद रही अबू बकर त के पोते हैं जिनका तस्करा किया गया इससे पहले बिन जुबैर रहीम का तस्करा हमने किया था आगे भी इन श्ला इस तरह के जो मशहूर तबइन हैं उनमें से कई अइमा का और इमामों का इनशाला हम तस्करा करेंगे अल्लाह रबालमीन से दुआ है अल्लाह हम को तबइन की तबाह तबइन की सलफ़ साल की सीरत पढ़ने और उससे जो है सबक हासिल करने और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी ख़तः फ़रमाए आमीन वसल नबील करीब वसलम वरम ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान